Able to compare with the Dhamma medicine. So, drinking. So, हिंदी में थोड़ा आप लोग समझ जाना पड़ेगा, इंग्लिश में हिंदी मुझे कमजोर है। ट्रांसलेट कर सकते किसी ने? किसी ने ट्रांसलेट कर सकते? इस दुनिया में बहुत सारे दवाए हैं, लेकिन ऐसे कोई दवाई नहीं है कि जिस दवाई धम्म दवाई के लिए के साथ समतुलन कर सकते, कंपेयर कर सकते। तो मैंने आज प्रवचन देने के लिए और कुछ गाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो दो गाना सुना, अच्छा गाना सुना, तो ऑर्गेनाइज जो किया उन्होंने भी कहा कि बुद्ध भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बताएगा पंडित जी, मधुर बात बताएगा, लेकिन मधुर बात के बाद ज्यादा बहुत मधुर गान सुना। मुझे अभी अलग से भगवान बुद्ध के बारे में बताना कुछ नहीं चाहिए, अगर वो दोनों गाना सुना हो। वो दोनों गाना के बीच में अंदर बहुत अच्छा अच्छा सारी बात था। अगर वो दोनों गाना ध्यान से मन से सुना हुआ था, भगवान बुद्ध कौन था? राजा सुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ कुमार था, वो भी बात में बताया तो। और एक बात था बीच में, गाना का बीच में, बाबा साहेब अंबेडकर का से जो ज्ञान हमें पाया, थोड़ा सा और किसी को समाज को बताने के लिए था। और एक बात था, हमें पशु के समान जीता दिया जाता है, जो दलित समाज था। तो पांच नंबर जो बात था वो मुझे ऐसे याद आ रहा है, भगवान बुद्ध के समय पे एक दिन भगवान बुद्ध ने पिंड चरण के लिए बाहर जा रहा है पात्र लेकर, भिक्षा मांगना के लिए। तो जाने का समय सुनीत कहते हैं, 7 साल का बच्चा ऐसे एक दीवार की तरफ लगे हुए खड़ा रहा था। वो समझ पाया हम लोग ऐसे करके लगा हुआ कि भगवान बुद्ध ने जाना था, ऐसे करके चुप के रहता था कि भगवान बुद्ध का उनका छाया भी अगर भगवान बुद्ध का पाया पर नहीं ना पड़े। तो भगवान बुद्ध को बहुत देख लिया, देखने के बाद उनका बोला के कह रहा है, बच्चे ऐसे क्यों कर रहा है, इतना सारी जगह है जाकर ऐसे क्यों कर रहा, चुप क्यों रहा? तो कह रहा है कि हमें तो यहाँ पे समाज में तो कोई जगह भी नहीं है पंत जी, कह रहा है कि हमें घाट मानकर पैर पे हमें उत्पन्न हुए, इसीलिए हमें कोई जगह कोई रेस्पेक्ट इस समाज में नहीं मिल रहा है। तो आप उच्च वंश का एक राजपुत्र है, तो आपके सामने में कैसे खड़ा हो सकते, भगवान बुद्ध को पूछ रहा है, इसीलिए आपको सम्मान करके मैंने एक साइड पे खड़ा हुआ है चुप के रहा। तो भगवान बुद्ध ने उस समय कह रहा है, हमारा धर्म पे मैं राजा का पुत्र हो सकते, लेकिन हमारा धर्म पे मेरे अंदर में ऐसे कोई बात नहीं है। तो जिस समाज का जिस परिवार का जिस वंश का हो सकते, लेकिन हमारे के लिए एवरीवन इक्वल समान है, हमारा धर्म पे या हमारे समाज में ऐसे कोई उच्च नीचे नहीं है। उसका नाम था सुनील। तो भगवान बुद्ध पूछ रहे हैं, अगर बेटा तुम चाहे तो
मेरा कारण से टीवर लेकर शिक्षा भी ले सकते हो, आपका मर्जी है क्या, इच्छा है क्या? तो वो बहुत खुश होके हमारा, मैं जैसे एक बालक है और जिस वंशा का है इसी वंशा का ऐसे ऐसे समझ कर लोग मुझे भगवान बुद्ध ने ऐसे कह रहा है कि भगवान बुद्ध कर धर्म का दीक्षा लेने के लिए बहुत खुश हो गया। 7 साल का बच्चा था तो भगवान बुद्ध ने उनके मंदिर पर ले जाके बाल काट दिया। बाल काटना का समय सोतापत्ति हो गया, पूरे बाल काटना खत्म होने के बाद सोतापत्ति शत्रुदागामी अनागामी बातना राहत बन चुकी। अगर दलित समाज का लोग ऐसे हो के इतना छोटे बच्चा 7 साल का उम्र के बच्चा का अगर अर्हत मानसा हो सकते हैं तो ऐसे और छोटे जात उच्च जात क्या फायदा क्या नवरत्न है। वसल सूत्र कहता है, सूत्र है मदस्य वसल होते मदस्य होते ब्राह्मण कम्मन वसल होते कम्मन होते ब्राह्मण। इस समाज में ऊपर होते कोई ब्राह्मण भी नहीं मानते कोई चंडल भी नहीं मानते। ब्राह्मण मानते कैसे चंडल मानते कैसे, जो अच्छा काम करेगा उसके काम पर डिपेंड करते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिज वर्क। वो जो काम करेगा अच्छा वाला काला उससे ऊपर डिपेंड करेगा कौन ब्राह्मण कौन चंडल है, नहीं तो ऊपर से कोई ब्राह्मण मान नहीं सकते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो दोनों गाना सुना हुआ उस गाना दोनों गाना का अंदर सारे धर्म अंदर है। तो इसलिए मैं प्रवचन देना शुरू करने के समय एक गाथा कहा था, वो गाथा का एक ऐसे औषध लोग के विज्ञत विविधा मांगू का मतलब यह है इस दुनिया में सारा बहुत सारा दवाई है लेकिन क्यों धर्म का दवाई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैंने पहले दे दिया भगवान बुद्ध गौर ने कैसे है, भगवान बुद्ध के सामने कोई ऊंचे नीचे नहीं है और भगवान बुद्ध ने जैसे डाकू अंगुली मार कहे थे सुना हुआ ना डाकू अंगुली मार और आरवा का यक्ष जो कहे थे राक्षस का है वो और किसान रोजनी और पटाचारण ऐसे कहे थे सारे सभी को क्या किया दमन किया। दमन कैसे किया, धर्म का दबा पिला के दरम का दवा मिला के उस कहानी से स्टोरी से मैं एक स्टोरी बताऊंगा कैसे दवा मिला है। क्योंकि पटाचारा कहता है महिला का उस समय काष्टा मतलब चरित्र था, अगर किसी ने प्रेग्नेंट हो गया प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत बच्चा डिलीवरी करने के लिए फायदा करने के लिए बाप के बारे घर में चल जाता था तो पटाचारा भी ऐसे फैसला किया कि मैं बाप के घर चले जाऊंगा तो जा रहा था उनका हस्बैंड के साथ। जाने का समय कुछ दूर जाने का समय एक बारिश आ गया था, बारिश आने के वजह से सभी गीला हो गया तो ऊपर से कुछ लगाने के लिए पाते ऐसे कुछ ढूंढा जाता है गया था उनका हाथ में ढूंढ के गया हुआ हस्बैंड ने सांप का काट के मार चुके
और थोड़ा आगे जा रहा है। अभी तक स्वामी को कोई आना का कोई निशाना नहीं है, और थोड़ा जा रहा है। जाने का समय सुबह से शाम हो गया, लेकिन हस्बैंड नहीं आया। तो और थोड़ा जाने के बाद में एक रिवर मिल गया, थोड़ा सा एक टूटे वाला रिवर नदी मिल गया। तो नदी को ऊपर जाना है, कैसा जाकर दो बच्चा एक साथ जाकर लेके जाकर जा नहीं पा रहा है। एक बच्चा के इस साइड में लाकर और एक दूसरा बच्चा लेकर उस साइड जा रहा है। तो जाने का समय जो ऊपर किनारा में लाता हुआ बच्चा को ईगल में सुकुन लेके जा रहा है, सुकुन लेकर जा रहा है। देखते हैं उनका हाथ में क्या था, वो भूल गया, वो भी छूट गया। सुकुन लेकर जा रहा है बच्चा को बचाने के लिए, हाथ में जो बच्चा था उसको छोड़ दिया। तो बच्चा ऊपर बच्चा भी सुकुन लेके गई और दूसरा बच्चा भी नदी के स्रोत में चले गए। ऐसे बच्चे दोनों बच्चा भी ऐसे हो गया। तो सुकुन जो लेके गए उनको पकड़ नहीं पाया, जो जिसको स्रोत पानी का स्रोत में लेके गई उनको ढूंढ के वो बच्चा लेकर उस समय हर जगह पर ढूंढ रहा था। ढूंढ के ये करना चाहता था कि उनको उनको बच्चे को प्राण लेकर आने के लिए कोई सारा डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन जीवन आप पास लौट नहीं आया। तो सभी वो बहुत पागल के तरह हो गया। हो जाने के बाद आप सभी को कोई ज्ञान नहीं है कि किसी को दवाई करने का, गाली दे रहा है डॉक्टर्स को। तो ऐसे जाते जाते और एक डॉक्टर के पास गए। जाने के बाद कह रहे मुझे ये बच्चा का प्राण दे नहीं सकते, सिर्फ एक ही डॉक्टर है जिसको पास जाके बालाई कर सकते। तो किसके पास, भगवान बुद्ध प्रतापगढ़ के पास जाके देखा हुआ। तो वहां पे यही भगवान बुद्ध सब कुछ जान चुके, लेकिन फिर पूछ रहा है क्या हो गया। तो आप लोग सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा है मुझे पता नहीं, जैसा आवाज आ रहा है कोई ज्ञान नहीं। तो ठीक है, तो ऐसा जाने के बाद क्या हो गया, भगवान बुद्ध पूछता है क्या कि मेरे बच्चा अज्ञान हो गया, मेरे बच्चा को ज्ञान दे दीजिए, आप होश में लेकर आओ दवा देने के लिए। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं ठीक है मैं ठीक कर दूंगा। अभी तक जितना डॉक्टर के पास लेके गए सभी कह रहे हैं मैं ठीक कर नहीं पाऊंगा इसको, ये मान चुके। भगवान बुद्ध ने कहा मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। ऐसे घर में एक सरसों का दाना लेता हो जिस घर में कभी किसी ने मरा नहीं हुआ, मौत नहीं हो चुके हैं, ऐसे घर पर जाके एक सरसों का दाना लेता हो। तो वैसे समय पर सारी जगह पे घूमा हर घर पे गई हर घर पे एक सरसों का दाना मांग रहा है, लेकिन एक मुंह दे रहा है, ज्यादा दे रहा है। एक क्यों इससे ज्यादा दे दोगे, तो बहन ये लेके जाओ, ऐसे कह रहा है। लेने के बाद पूछता है पहले ये तो बताओ इस घर पे किसी को मार हुआ था क्या, इससे पहले। तो हर जगह पे कह रहा है हाँ हुआ, इससे पहले तो दो दिन पहले मेरे हस्बैंड मर चुके, इससे पहले मेरे बहन मर गया, इससे पहले मेरे नानी मर गया, दादी मर गया, दादू मर गया, ऐसे करके कोई ना कोई मर चुके। तो इससे बाद पता चला तो होश में आया ये नेचुरल थी जो स्वाभाविक जो है मौत हुआ, सिर्फ ये मेरे बच्चा का नहीं हुआ, हर जगह में कोई किसी को कितना किसी को मौत हुआ और सभी प्राणी
कभी ना एक दिन का एक दिन मर जाएगा, मत हो जाएगा। वो नेचुरली भगवान उतने एक्सपीरियंस के साथ बता दिया, बताता रहा। जितने सारे डॉक्टर के पास गए, सभी डॉक्टर्स ने कहा इस बच्चा मर चुके, आपस प्राण लौट नहीं दे सकते। भगवान बुद्ध कैसे दिया? भगवान बुद्ध आपस जीवन दिया? जीवन नहीं दिया। धर्म क्या है, नेचुरलिटी क्या है इस दुनिया का? वो नेचुरल के शानदार दिया भगवान बुद्ध ने। ऐसा ही होगा। और अभी भी जो यहाँ पर जितना है रोक है, हमें किसी ने जो छोटा बच्चा है उसकी और एक साल तक और 100 साल तक जी ले रहेगा। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल होने के बाद हमें भी एक दिन मर जाऊंगा। ये तो सबको समझना पड़ेगा ना। अगर नहीं समझा, जो नहीं समझा है वो क्या हो रहा है? अपमादो अमतपदं पमादो अच्युपदं ये पमत्त नमियंते पमत्ता यतामंता। अप्रमाद हो व्यक्ति जे हुए मरण हुआ का समान है। प्रमाद व्यक्ति है जो अप्रमाद नहीं हुआ, वो मरने के बाद भी अमर है। और बात समझ गया क्या? अप्रमाद व्यक्ति किसको कहते हैं? जो पांचशील को नहीं मानते, उपासकशील अष्टशील को नहीं मानते, एक समाज को नहीं मानते, किसी को डरते भी नहीं। पानादिपात अधिन्नादान कामेशु मिच्छाचार मुसावाद अनेरम सुगामेरिय ये पांच शेष हमेशा करते रहे। कुछ दिन के पहले मैं एक उपासक का घर पे गई थी। टेबल के ऊपर एक पेपर था, ऊपर का पहले हेडलाइन था माया विहार में एक कार रुका हुआ, बेटी और पत्नी कार का अंदर, और पति गए 5 मिनट के लिए मंदिर का अंदर। मंदिर का अंदर 5 मिनट आपस आ जाते, बेटा बेटी और पत्नी को काम से शुद्ध कर दिया माता कुछ दिन से पहले। तो ऐसे भी इंसान है कि जितना अपराध कर रहा है इस दुनिया में, इसके बदस क्या है? इस दुनिया का नेचुरलिटी को क्यों समझ नहीं पाया? हमें आया शून्य हाथ से, खाली हाथ से इस दुनिया पर आया, जाने का समय कैसे? जो कमाए सब कुछ लेके जा सकते क्या? नहीं लेके जाऊंगा। खाली हाथ पे आया, खाली हाथ पे गई जाना पड़ेगा। और एक स्टोरी है, राजा अलेक्जेंडर, कभी सुना हुआ? अभी नाटक आया था, नाटक आ रहा था। हाँ, अलेक्जेंडर राजा ने एक अंतिम शासक का पत्र लेके गया, जिसके मतलब लेटर लेके गई, मेरी मौत होने के बाद मेरे साथ अंतिम संस्कार ऐसे ही करना। जितना सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स मेरे पास रहा था, मेरे सेवा कर रहा था, मेरे दवाई का इलाज किया था, उन सभी का घर में लाद के मेरे वो डेड बॉडी लेके जाना चाहिए। और मेरे कोषागार से जितना सारा दान दौलत है वो सब चिपके चिपके जाना चाहिए रास्ता में। इसका मतलब क्या है? वो एक आइडियल है, आदर्श। इसका मतलब क्या है? इतने सारे बहुत अच्छा अच्छा डॉक्टर मेरे पास था, लेकिन किसी ने मेरी मां को बचा नहीं पाया। और इतना धन दौलत था, इस धन दौलत को कोई काम पर नहीं आया मेरी मां को बचा सकते। जब मौत आया उस दिन डेथ हो गया था। हमें भी बारे में ऐसे हो जाएगा। अगर नेचुरलिटी को समझाया
इस दुनिया का अपराध जो कहते हैं अपराध क्रिमिनल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए हम उपन के समय पे इस दुनिया में क्या तीन चीज देख रहा है, ये मिट्टी मतलब पृथ्वी, महासागर, महामेरु पर्वत कभी नहीं मिलेगा। समता आवाज टीवी की आपसे गुजारिश है, समता आवाज टीवी को जीवित रखने के लिए, समता आवाज टीवी को बचाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बराबर में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो नई अपडेट्स है वो आपको तुरंत मिलती रहे। समता आवाज की आपसे पुनः गुजारिश है, समता आवाज टीवी की हर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।